गेम है पैसे, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वहां टिकट बिकते हैं। सर आप जाति नाम पे फंडिंग करवा ले, पार्टी के पीछे जो आपके जनरल सेक्रेटरी है, जो बाकी ढांचे है, अगर वो सारा का सारा वही काम कर रहे हैं पावर पॉलिटिक्स के, फिर आप इनकलाबी पार्टी तो नहीं हुए ना। जितने भी कामयाब पैगंबर है उन्होंने अकेले नहीं किया। हमारे जो सबसे अजीम पैगंबर है सुपाक सलोसलो, उनके इर्द गिर्द सबसे कामयाब टीम थी। अभी जो नवाज शरीफ की पार्टी है नून लीग, उसको जितना वोट मिलता है वो नवाज शरीफ के नाम पे मिलता है। इमरान खान की पार्टी को इमरान खान के नाम पे वोट मिलता है। इसी तरह आप जो पीपल पार्टी उसको भुट्टो के नाम पे वोट मिलता है। बिल्कुल ठीक है। जब आप मतलब कि जिस बंदे को कैश करके अपनी पूरी कंपेन कर रहे हैं, लोग उसी को वोट दे रहे हैं, जो एक इंतहाबी निशान होता है, उसके बाद जो एक पार्टी होती है, ये तो अलग चीज है। असल में लोग उस पर्सनैलिटी को लोग फॉलो कर रहे होते हैं। जब जो पर्सनैलिटी आपके लिए कंपेन कर रही है, लोग उसी के ऊपर ट्रस्ट करके उसी को वोट दे रहे हैं। जब वो ही आगे नहीं आएगी तो फिर लोग आप लोगों को क्यों एक्सेप्ट करेंगे? सर पर्सनैलिटीज हम भी डेवलप करेंगे, ये नहीं है कि हम पर्सनैलिटीज डेवलप नहीं करना चाहते। फर्क इतना है कि हम भी चाहते हैं कि भाई वही इलेक्टेबल्स जो जिनकी यहाँ नहीं गेम लगी वहाँ नहीं गेम लगी, हम उनको मौका देते हैं हमारी तरफ से लड़ने का। ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि सिर्फ ये 1% आवाम से नहीं निकलती पर्सनैलिटीज। पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, जब आपके पास 250 मिलियन की आवाम है तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते गरीब लोग मिडिल क्लास में कितने काबिल लोग हैं, जिन्हें कभी मौका ही नहीं मिलता, जिन्हें कभी प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता अपने ख्यालात का इजहार करने का या कोशिश करने का कि मनज़म करके देखें तो सही कि उनकी पर्सनैलिटी कितनी ज्यादा कैरिज्मेटिक है इमरान खान से या नवाज शरीफ से या आसिफ अली जरदारी से। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यहाँ तो है पैसे, गेम है पैसे की। आप जो बड़ी बड़ी पोलिटिकल पार्टीज हैं वहां टिकट बिकते हैं इलेक्शन लड़ने की। और पीडीए के अंदर भी हमें पता है जो स्कैंडल्स खोले थे, कितने कितने की टिकटें बिकी थी। ये कोई मैं एक्विजिशन नहीं फेंक रहा, ये एक रिटन हिस्टोरिकल फैक्ट है कि भाई इस तरह ही पावर पॉलिटिक्स होती है। लेकिन जब बाकी मुल्कों में देखते हैं जो डेवलप्ड इकोनॉमी फंक्शनिंग कंट्रीज हैं, वहां टिकटें बिकती नहीं। वहां आपको सियासी पार्टीज में काम करना पड़ता है, अपने आप को साबित करना पड़ता है, भाई आपकी औकात है, आपकी पर्सनैलिटी पार्टी के अंदर बिल्ड होती है, जो आप ग्रास रूट में काम करते हैं ताल्लुकात वहां बिल्ड होते हैं, फंडिंग भी फिर एट द एंड ऑफ द डे पार्टी की जो ग्रास रूट पे बेस होती है उधर से ही आती है। इमरान खान साहब ने तो भी टिकट सेल किया, उन्होंने तो पार्टी को फंडिंग करवाई। सर आप जाति नाम पे फंडिंग करवा ले, पार्टी के पीछे जो आपके जनरल सेक्रेटरी है, जो बाकी ढांचे है, अगर वो सारा का सारा वही काम कर रहे हैं पावर पॉलिटिक्स के, फिर आप इनकलाबी पार्टी तो नहीं हुए ना। सर एक जो चीज मेंशन करना चाहूंगा ना, जो चीज हमें उसको गौर भी करना चाहिए, क्योंकि मैं तो मुसलमान की सब ब्रेकिंग वही हुई है। जो इस्लाम हमें सिखाता है ना कि जितने भी पैगंबर आए हैं तारीख के अंदर, उनके ये बड़ी ज्यादा बातें करते हैं मजहबी, तो मैं भी जरा एक मजहबी टाइप से देखता हूँ जरा इनको चैलेंज करने के लिए। ठीक है, वो कोई भी जो जितने भी कामयाब पैगंबर है उन्होंने अकेले नहीं किया। हमारे जो सबसे अजीम पैगंबर है सुपाक सलोसलो, उनके इर्द गिर्द सबसे कामयाब टीम थी। कितने मजे की बात है, जितनी हम बोलते हैं साबक राम वगैरह, तो वो एक तरह से अगर देखा जाए वो मुनज़्ज़म तौर पे पॉलिटिकल कैंपेन चला रहे थे अपना माशरा बदलने के लिए। जहाँ एक छोटा सा तबका था मक्का के अंदर, इसके तो कब्जा था तजारत के ऊपर, फसलों के ऊपर, जमीनों के ऊपर, हर चीज उनके हाथ में थी माशरे। तो जो बाकी लोग थे उनकी जिंदगी पाकिस्तान के गरीबों से कोई खास मुख्तलिफ नहीं थी फतेह मक्का से पहले के बाद। तो हम अपने आप को मुसलमान ममालिक किस तरह कह सकते हैं, मुल्क किस तरह कह सकते हैं कि जो अब हमारे माशी सूरत हाल समझे कुफर के जमाने से जुड़ती। तो यहां तो आपको एक बहुत बड़ा मसला नजर आता है कि जो इस्लाम ही इधर चीजें जायज नहीं है, जो खुला जिक्र किया है भाई कि आपने इस किस्म की जो फर्क होता है अमीर गरीब के अंदर वो क्रिमिनल है। और मैं तो बिलीव करता हूं जो मेरी अपब्रिंगिंग हुई भी है कि हम इस चीज को ज्यादा डिनाउंस नहीं करेंगे, बस भी तौर पर बात करो पॉलिटिकली। तो मैं आपको बोलता हूँ तो मैं करता ही करता हूँ, मेरी ट्रेनिंग उस पर ये हुई है कि भाई आपने खड़ा उनके साथ होना है जो तादाद में ज्यादा है, क्योंकि डेवलपमेंट तब भी आती है अगर ज्यादातर अवाम का भला हो, ज्यादातर अवाम को आप एजुकेशन दें। देखेंगे कितने बड़े आइंस्टाइन निकलते हैं उधर से।